मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पिछले 6 महीने में किए गए कामों का ब्यौरा दिया। मंत्री यादव ने बताया कि पीएससी 2017 की वेटिंग लिस्ट में से कुछ पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के 200 कॉलेज को गुणवत्तापूर्ण बनाया जाएगा। शेड्यूल के एक महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाने का फैसला सरकार ने लिया है। वहीं शिक्षा विभाग में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए 20 इंडिकेटर के माध्यम से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में गुणवत्ता सुधार और उन्नयन कार्रवाई की गई। साथ ही हमने लोक सेवा आयोग से पदों को भरने के लिए भी काम किया है। निर्माण कार्यों के लिए रूस और वर्ल्ड बैंक की राशि से काम किया जा रहा है। कक्षाओं के संचालन की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 1 जनवरी से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए विज्ञान के छात्रों की कक्षाएं शुरू हुई है। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश में हमारे कुल 20 इंडिकेटर के माध्यम से विश्वविद्यालय महाविद्यालय में अकादमिक गुणवत्ता एवं उन्नयन के संबंधित कार्य की कार्रवाई प्रस्तुत करवाई है, जिसमें भवन निर्माण, सूचना तकनीक को सुदृढ़ करना, स्मार्ट रूम, वर्चुअल लर्निंग सुविधा, एकीकृत पोर्टल का निर्माण, नॉलेज कारपोरेशन का गठन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ विश्वविद्यालय में महाविद्यालयों का गठबंधन, समस्त शासकीय महाविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा केंद्रों की स्थापना, क्वालिटी लर्निंग सेंटर ग्रुप में महाविद्यालय का उन्नयन, उद्यमिता प्रकोष्ठ का गठन, बाजारों की जरूरत के अनुसार डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स का आरंभ करना, उद्योग जगत के परामर्श से शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने का प्रयास विभाग ने प्रारंभ किया है।